तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और साथ आप सभी का हमारे चैनल बैराग जबरदस्त। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने हेयर को कैसे वॉल्यूम दें या कैसे खड़े करें, है ना। आप जैसे मेरे देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से वॉल्यूम क्रिएट है ना, तो ये मेरे हेयर खड़े हैं तो इसी के लिए मैं आपको बता सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया अपने ऊपर और मेरे ऊपर वर्क किए और आपके ऊपर भी वर्क करेगी। इससे पहले मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों कि इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो अपलोड कर रखी इसी टॉपिक पर, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बेसिकली ये वीडियो भी उसी के वीडियो जैसा है ना, पहला जो मेरा वीडियो था उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप सभी का, मतलब कि उस पर व्यूज़ अभी 1,31,000 है ना, समथिंग ऐसा ही कुछ है। तो बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पांस आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। बट उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमियाँ थी, है ना। मैंने आज जाकर देखा, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा उसमें मैंने बैकग्राउंड नहीं लगाया था, प्लस जो बताया था उसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था ना। तो आज की वीडियो में ना मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, प्लस आप बैकग्राउंड भी अच्छा है आज का, तो है ना, तो सब कुछ अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखना। टिप्स नंबर वन कि आपको अपने हेयर आपकी बेसिकली आप शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करते हो ना, तो आपको ये नहीं करना है, आप है ना। मैं जो बता रहा हूँ टिप्स, मान लीजिए इसमें हेयर ड्रायर और हेयर वैक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ और चीज़ तो लगानी पड़ेगी ना यार। तो हेयर वैक्स वगैरह इनके बारे में आपको बोल भी नहीं, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि बाल डैमेज होते हैं, आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं ना, तो इनको नहीं बताऊँगा। इसके पहले आपको करना क्या होगा कि अपने आपको एक साबुन लेना है, जो कि कपड़े धोने का जो साबुन होता है ना, तो आपको उसको केवल 2 दिन अप्लाई करना है। कितने दिन? 2 दिन अप्लाई। मैं आपको बता दूंगा, मैंने खुद ने अप्लाई किया अपने ऊपर, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो आप देख सकते हैं ना। तो आपको 2 दिन अप्लाई करना है उसको। तो सबसे पहले आपको अपने हेयर को मतलब वॉश करना है ना, तो हेयर को वॉश करना है अपने साबुन से, अपने को हेयर को वॉश करना है। उसके बाद करना क्या, आ गए अपने हेयर वॉश करके ना, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हेयर अभी वॉश हैं। तो अब हमको करना क्या है, आपको अच्छे से इनको रफ़ कर लेना, मतलब कि आपको इसको सुखा लेना है, तो मतलब थोड़ा कम इतना नहीं, लेकिन आपको इसको सुख मतलब ऐसा हो जाए, अपने टॉवल वगैरह किसी से भी चीज़, आपको इसको मतलब थोड़ा रफ़ कर लेना है, उसके सुखाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कोकोनट ऑयल है ना, मैं आपको बता देता हूँ, कोकोनट ऑयल मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, आप कौन सा भी यूज़, कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है, आप कौन सी कंपनी का ब्रांड वगैरह जो भी यूज़ कर सकते हो मुझे नहीं पता, बट आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। कोकोनट कैसे, आपको इसके 2 से 4 ड्रॉप्स है ना, बेसिकली 2 से 4 ड्रॉप हम लेंगे, इतना ही काफ़ी रहेगा ना। तो इसको हम ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा, तो ऐसे हम इसको लगा लेते हैं ऊपर इसको, ये लगाया सिंपल तरीके से, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉम्ब लेंगे, क्या लेंगे, कॉम्ब, जो कि बिल्कुल सिंपल है यार, ये तो हर मिल जाता है ना, आपको ये नहीं कि हेयर ब्रश ही लेना है या कुछ और चीज़ें ऐसी। तो चलो इससे ही करते हैं, अब देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होगा इससे भी। अब देखिए हम इसको, इसको इस इधर साइड कर रहे हैं, फिर इसको हम इधर साइड करेंगे, ये दोनों साइड कर लिया। अब देखिए अपने आप ही ये वॉल्यूम ले रहे हैं, है ना। अब करना क्या है, अब हमको ऐसे ही इनको रखना है ना, अभी तो केवल इतना ही हुआ है, अब इसको हमको 10 मिनट ऐसे ही सूखने देना है ना, फिर 10 मिनट बाद हम सूखने के बाद इसको फिर से हम इसी कॉम्ब से है ना फिर से इसको सही करेंगे। बेसिकली इसको 10 मिनट सूखने देते हैं, तो अभी हमारे मतलब 5-7 मिनट हुए हैं, 10 मिनट तो मुझसे इंतजार हो ही नहीं रहा है ना, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपको 10 मिनट रुकना है, 10 से 15 मिनट है ना। तो चलिए हम फिर से इसको एक बार, क्योंकि पहले ये ऐसे गिर गए थे ना, तो अब इसको हम सीधे थोड़ा मतलब स्ट्रेट करेंगे कैसे, 10 मिनट बाद क्या होता है थोड़ा सूख जाता है ना, उसके बाद और स्ट्रेट होने में अच्छा रहता है, तो हम इसको और स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हो जाए अच्छे से, सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से करेंगे। वैसे आपको मेरी हेयर कट कैसी लग रही है, मैंने आज ही करवाया है हेयर कट, है ना। तो अब देखिए अब गिर नहीं रहे, अब कितने अच्छे तरीके से ये वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है इनमें ना, तो आप देख सकते हो। तो ऐसा आपके हेयर भी ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको इन टिप्स को फॉलो करना होगा, तो मैं आपको समरी में फिर बता देता हूँ। आपको अपने बालों को शैम्पू से नहीं धोना है, आपको अपने
आपको साबुन से धोना है 2 दिन, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। थर्ड क्या है आपको, एक कॉम्ब यूज़ करना है। बस ये तीनों चीज़ें टिप्स हैं यार, सिंपल सी टिप्स है। अगर इसके बाद भी नहीं होते तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए अगला और वीडियो ला सकता हूँ। ओनली वन आपके लिए, अगर एक भी बंदे के इससे नहीं होते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर दूसरा वीडियो लाऊंगा। प्लस भी हेयर कट के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूं, है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो, या आपको लगता है या मुझे लगता है तो मैं लाऊंगा वैसे। तो ये सब चीज़ें थी, और एक लाइक तो बनता है ड्यूड यार, एक लाइक तो बनता है दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना यार, वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना चैनल को, है ना। तो आज की वीडियो में बस।